स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम दोस्तों देश और विदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों हम आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि प्रसिद्ध शिव मंदिर यानी सोमनाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, आप कमेंट करके उस राज्य का नाम जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों बेके करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, किसान ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली पुलिस को दिया यह आदेश। जी दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी हल्ला बोल के बीच किसानों ने ऐलान किया है कि वे 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, मगर इसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दिल्ली पुलिस का काम है कि वह तय करे कि दिल्ली में कौन आएगा और कौन नहीं। कोर्ट ने कहा कि शहर में कितने लोग कैसे आएंगे यह पुलिस तय करेगी। अब इस मामले पर बुधवार यानी 20 जनवरी को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि यह मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है और इसके बारे में फैसला पुलिस लेगी। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं अगली खबर। पहले दिन 191,000 लोगों में लगाई गई कोविड वैक्सीन, किसी में नहीं दिखा गंभीर साइड इफेक्ट का खतरा। जी हां दोस्तों, महीनों से कोरोना का दंश झेल रहे देश के लिए शनिवार की सुबह नई उम्मीदें लेकर आई। 16 जनवरी से देश के 3000 से अधिक केंद्रों पर एक साथ हुए विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के पहले दिन ही 191,181 स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों और डॉक्टरों को टीका लगाया गया। टीके से कुछ लोगों को मामूली रूप से तबीयत बिगड़ने की जानकारी भी मिली है। दिल्ली में एक व्यक्ति के एम्स में भर्ती कराना पड़ा है। अभियान का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां विज्ञानियों और शोधकर्ताओं की उपलब्धि से अभिभूत थे, वहीं कोरोना काल में लोगों की तकलीफों को बयां कर भावुक भी हुए। पीएम ने दिन भर अभियान पर नजर रखी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केंद्र ने राज्यों से कहा, पकाए गए चिकन और अंडे से बर्ड फ्लू का डर नहीं, हटा दे प्रतिबंध। जी दोस्तों, देश में कोरोना के बाद बर्ड फ्लू के कहर से डरा हुआ है। इस बीच अच्छी तरह से पकाए गए चिकन और अंडे के सुरक्षित होने का आश्वासन देते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार को देश भर की राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे पोल्ट्री की बिक्री पर प्रतिबंध को हटा दे, साथ ही गैर संक्रमित क्षेत्रों राज्यों में पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री की अनुमति दी। बता दें कि केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात बर्ड फ्लू की चपेट में है। वहीं मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का कहना है कि बर्ड फ्लू के प्रसार के बारे में वैज्ञानिक अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। खुशखबरी, कोरोना वैक्सीन आने के बाद सर्विस सेक्टर में लाखों लोगों को मिलेगी नौकरी और रोजगार। जी दोस्तों, कोरोना वैक्सीन आ जाने के बाद सर्विस सेक्टर को नई उम्मीदें जगने लगी है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा नुकसान इसी सेक्टर को हुआ था। होटल, रेस्तरां, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लाखों लोगों की नौकरी चली गई थी, लेकिन अब खुदरा क्षेत्र में बिक्री बढ़ने के साथ साथ रोजगार के ज्यादा अवसर भी पैदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। देश की जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान 50% से भी अधिक का रहता है। इस सेक्टर में कारोबार को लेकर भविष्य में कई उम्मीदें हैं। जानकारों की माने तो इस सेक्टर में जबरदस्त उछाल आने वाला है, जिसे देश की जीडीपी तो बढ़ेगी ही, साथ ही लाखों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कर्मचारियों के लिए वैक्सीन खरीदने की तैयारी में भारतीय कंपनियां। जी दोस्तों, कई भारतीय कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन खरीदने की योजना बनाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, जिसमें हेल्थ केयर और अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स की वैक्सीन लगाई जा रही है। स्टील उत्पादक जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, महिंद्रा ग्रुप और ITC लिमिटेड जैसी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए वैक्सीन का इंतजाम करने की दिशा में शुरुआती कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। ऐसी उम्मीद है कि सरकार की प्राथमिकता पूरी होने के बाद कोविड वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी और कंपनियां इसे खरीद सकेगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी को बनाया गया सोमनाथ मंदिर का न्यास अध्यक्ष मोरारजी देसाई के बाद दूसरे प्रधानमंत्री। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन संभालने वाले न्यास का नया अध्यक्ष सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है। वे इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बाद मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इस मंदिर का न्यास का अध्यक्ष चुना गया है। न्यास के रिकॉर्ड के अनुसार मोदी न्यास के 8वें अध्यक्ष बने हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। गणतंत्र दिवस परेड की फ्लाई पास्ट में शामिल हुआ राफेल, दिखाएगा कर्तव्य।
जी दोस्तों, इस बार गणतंत्र दिवस परेड में राफेल समेत कुल 42 विमान हिस्सा लेंगे। इनमें 15 लड़ाकू विमान, 5 ट्रांसपोर्ट और 17 हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं। वायुसेना में हाल ही में शामिल हुए राफेल को पहली बार फ्लाई पोस्ट में शामिल किया गया है। दरअसल फ्लाई पोस्ट का समापन इस विमान के वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में उड़ान भरने से होगा। बता दें कि वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में विमान कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है, जिसे सीधा ऊपर जाता है, उसके बाद कलाबाजी खाते हुए एक ऊंचाई पर स्थिर हो जाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। जांच टीम ने चाइना और WHO को घेरा। रिपोर्ट में कहा, तेजी से कदम उठाते तो नियंत्रित हो सकता था वायरस। जी दोस्तों, चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन यदि चाहते तो कोरोना वायरस को समय पर नियंत्रित किया जा सकता था। ये कहना है इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पेंडेमिक प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स यानी IPPR का। अपनी दूसरी रिपोर्ट में IPPR ने कहा कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए शुरुआत में कुछ कदम उठाए जा सकते थे। जांच टीम के मुताबिक आउटब्रेक को बड़े पैमाने पर छिपाया गया, जिसकी वजह से वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया। इस रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि दुनिया को कोरोना महामारी में धकेलने के लिए अकेला चीन दोषी नहीं है। WHO ने भी उसमें अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। तांडव के कंटेंट पर भड़की कंगना रनौत, कहा हिम्मत है अल्लाह के मजाक उड़ाने की, जेल में डालने की मांग। जी दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में अपनी बेबाकी के लिए मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सोमवार को अली अब्बास चप्पर की विवादास्पद नई सीरीज तांडव की आलोचना की है, जिसमें सैफ अली खान ने अभिनय किया है। कंगना ने सीरीज को हिंदू फोबिक, एट्रोसियस और ऑब्जेक्शनल करार दिया है। कंगना रनौत ने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, समस्या सिर्फ हिंदू फोबिक कंटेंट की नहीं, बल्कि यह रचनात्मक रूप से खराब है, हर लेवल पर आपत्तिजनक है, इसलिए जानबूझकर विवादास्पद सीन रखे गए हैं। उन्हें न सिर्फ आपराधिक इरादों के लिए बल्कि दर्शकों को टॉर्चर करने के लिए भी रखा गया है, इसलिए इन्हें जेल में डाल देना चाहिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में 30 जनवरी से लागू होगी आयुष्मान भारत योजना, बदलेगा नाम। जी दोस्तों, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना अब तक राजस्थान में लागू नहीं हुई थी। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को भारत में लागू नहीं किया था। अब इस योजना के प्रदेश में लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे नाम बदलकर प्रदेश में लागू करने का ऐलान किया है। CM गहलोत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन 30 जनवरी से इस योजना को प्रदेश में लागू करने का फैसला लिया है। राजस्थान में ये योजना आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना से लागू होगी। प्रदेश में 1,10,00,000 परिवार इस योजना के दायरे में आएंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत बायोटेक ने दी चेतावनी, ये लोग भूलकर भी न लगवाए कोवैक्सीन। जी दोस्तों, कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक कोविड टीके को लेकर लोगों को आगाह किया है। भारत बायोटेक ने कहा कि अगर किसी की इम्यूनिटी कमजोर है या पहले से कोई गंभीर बीमारी की दवा ले रहा है तो ऐसे लोग फिलहाल कोविड वैक्सीन यानी कोवैक्सीन न लगवाए। भारत बायोटेक ने एक फैक्ट शीट जारी कर बताया कि किन लोगों को कोवैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। भारत बायोटेक ने सोमवार को फैक्ट शीट के माध्यम से ऐसे लोगों को कोवैक्सीन का टीका नहीं लगवाने की सलाह दी है जिन्हें कुछ समय से एलर्जी, बुखार, ब्रीदिंग डिसऑर्डर की शिकायत रही हो, साथ ही जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो या दवाई ले रही हो, या फिर जिसका प्रतिरक्षा प्रणाली पर असर हो सकता है। कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया है कि कोवैक्सीन का टीका गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी वर्जित है, साथ ही जिन्होंने दूसरी वैक्सीन ली है या फिर किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं वे भी कोवैक्सीन का टीका न लें। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। उत्तर भारत घने कोहरे की चपेट में, अगले 4 दिन तक शीतलहर से राहत नहीं। जी दोस्तों, कड़ाके की ठंड झेल रहे उत्तर भारत में कई जगहों पर रविवार रात और सोमवार सुबह कोहरा छाया रहा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश पर कोहरे की चादर के चलते दृश्यता काफी रही। इसका असर रेल यातायात और सड़क परिवहन पर भी पड़ा। इन क्षेत्रों में जारी ऑरेंज अलर्ट के बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक शीतलहर जारी रहने और दिल्ली में कुछ हिस्सों में 24 घंटे के अंदर हल्की बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली NCR में पूरी दिशा की ओर चल रही हवा पश्चिमी हिमालय की तरफ से आने वाली हवाओं की तरह ठंडी नहीं है, इसलिए अगले 2 दिन में न्यूनतम तापमान तो बढ़ेगा लेकिन अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहेगा, लिहाजा 22 जनवरी तक ठंड का कहर जारी रहेगा और अगले 2 दिन तक उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।